आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, ये रिलेटेड है किससे? नमन अमन और रमन से। यहाँ पे इनका हमें ओल्ड रेशियो दे रखा है जो कि क्या है, 2:1। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटी सी जर्नल एंट्री दे रखी है जिसमें छोटी छोटी डिटेल है जो कि हमारे लिए काम हमें आने वाली है। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या रहे हैं, ये कहते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज तक जब भी आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करते थे तो हमारे पास वहां पे गिवन होता था कुछ ना कुछ डिटेल उससे रिलेटेड। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास इस बार सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग गिवन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की जो जनरल एंट्री है, अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ये जो गुडविल की एंट्री है, इन्होंने यहाँ पे नरेशन में लिखा है कि भाई गुडविल इज एडजस्टेड बिटवीन द पार्टनर। तो जब भी हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं बिटवीन द पार्टनर, तो हम किसमें करते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में करते हैं। तो और जब हम ये जनरल एंट्री करते हैं तो इसमें जो क्रेडिट में आंसर होता है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अमन, तो जो क्रेडिट में है मींस वो पार्टनर क्या कर रहा है, वो पार्टनर कर रहा है सेक्रीफाइस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है जो है क्रेडिट में, ठीक है। और जो है डेबिट में वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक। तो अब हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो इसी की हेल्प से निकलेगा। अब हमें पता है कि अमन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, अमन 5/25 सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी अमन का जो भी शेयर है हम उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसका नया शेयर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो पार्टनर डेबिट यानी गेन कर रहे हैं डेबिट में 3/25, 2/25 ये हम उनके शेयर में ऐड कर देंगे और इससे क्या निकल जाएगा, उनका न्यू शेयर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा फटाफट करके भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। अब हमारे पास जो शेयर है वो कितना कितना है, हमारे पास सबसे पहले हम ओल्ड शेयर लिखते हैं तीनों के। हमारे पास नमन का जो शेयर है, एन करके लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वो है 2/5, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा पार्टनर है अमन, उसका जो शेयर है वो कितना है, वो भी कितना है, 2/5 है। और जो लास्ट में हमारे पास पार्टनर है रमन, उसका जो शेयर है वो कितना है, 1/5 है। अब हमें करना क्या है, जो हमारे पास पहला पार्टनर है नमन, उसमें कितना वो कर रहा है, वो डेबिट में है। डेबिट में होने का मतलब मैंने क्या कहा, वो गेन कर रहा है, यानी कि 3/25 क्या करना है, उसके में ऐड करना है। तो 3/25 वो गेन कर रहा है। अब हमें क्या करना है, बस इसे सॉल्व करना है। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 13/25। अब इसी तरह हम नेक्स्ट पार्टनर का भी निकालेंगे। भाई यहाँ पे अमन क्या कर रहा है, अमन को हमने देखा है कि अमन क्रेडिट में है, क्रेडिट में होने का मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस करेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 5/25 कर रहा है। तो 5/25 इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ पे सॉल्व करने पे 5/25 ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो रमन है, रमन डेबिट में है, डेबिट में होने का मतलब क्या कर रहा है, डेबिट में होने का मतलब है वो गेन कर रहा है। तो गेन कितना कर रहा है, यहाँ पे मेंशन है हमारे पास जनरल एंट्री में 2/25 कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसके शेयर है प्लस कर देते हैं ओल्ड वाले में, तो 2/25 वो प्लस करा। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 7/25, तो 7/25। अब हमारे पास जो रेशियो आ गए वो कितना आ गए, 13/5/7। तो यही हमारा बन गया आंसर, 13:5:7 ठीक है और 7। तो ये बन गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। होप करता हूँ आपको ये आंसर कैसे निकलता है समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा एक नए क्वेश्चन से रिगार्डिंग। अगर आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी की, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, yupsharma.com। आप यहाँ पर आए, एनरोल हो जाएं और आप यहाँ पे लेक्चर्स यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं जिसमें चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के। चलिए फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन में।